भोजपुरी इंडस्ट्री में दो ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी बातें अक्सर होती ही रहती है और इन दोनों स्टारों के फैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है। और इन करोड़ों फैंस में से हजारों यूट्यूबर्स हैं जो इनके नाम पर वीडियो बनाकर या न्यूज बनाकर दो पैसे कमाते हैं। अब उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक मैं भी हूँ। चाहे हम किसी के फैन बन के वीडियो बनाएं या उसके अपोजिट में बनाएं, मगर 2-4 या 10 हजार लोग मुझे जानते हैं तो पवन सिंह या खेसारी यादव के कारण ही। अब ये बताइए कि हमारे जैसे हजारों यूट्यूबर्स में से अधिकतर को कभी ना कभी कोई बड़ी परेशानी आती ही रहेगी। हम उठे और पवन सिंह से गुहार करने लगे कि हमारी मदद कीजिए केवल इस अधिकार से क्योंकि हम आपका वीडियो बनाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, अगर पवन सिंह मुझे देखकर भी हेल्प कर देंगे तो मैं क्या करूँगी? अपनी पब्लिसिटी के लिए या तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कुछ प्रूफ बनाकर वीडियो डालूंगी ताकि लोग उनके बदौलत और मुझे जान पाए। फिर मेरा देख के कल गए कोई और फैन ऐसा ही करेगा। तो ये बताइए कि हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को कोई भी सुपरस्टार कितना हेल्प करेगा? अरे भाई, अगर किसी के फैन ने भी हमें मदद किया तो वो भी तो उस स्टार की वजह से ही हमारी मदद किया ना, फिर इतनी एहसान फरामोशी क्यों? जब समय खराब तो भैया, समय ठीक तो गाली और बदनामी, ये सब सही नहीं है मेरे भाई। पलटू राम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनना चाहिए। हम किसी से भी मदद मांगे और नहीं मिला तो इसके वजह से किसी को टारगेट करना बहुत ही गलत बात है। वो लोग इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कहाँ उनके पास टाइम है हमारी वीडियो देखने का? और देखेंगे भी तो किस किस का भाई मदद करेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चाहे आप किसी के भी फैन हो, वीडियो अगर बना रहे हो तो अपने फायदे के लिए, ना कि आपको पवन सिंह ने फिक्स करके रखा है कि मेरा प्रमोशन करो, तो फिर हमें नाराज होने का तो कोई हक ही नहीं बनता। और ये गलती करनी भी नहीं चाहिए। चाहे पवन सिंह या खेसारी यादव के फैंस से ही मदद मिले, आखिर मिला तो उनके ही नाम पर, तो फिर नाराजगी किस बात की? प्लीज ऐसा कोई भी ना करे, इससे आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।